वेलकम बैक टू द चैनल दिल से ट्रैवल। और दिल से ट्रैवल में आज दिल्ली की नए साल पर गुनगुनी सर्दी में हम लोग आपको लेकर आए हैं साउथ दिल्ली में बना हुआ हमारा भारत दर्शन पार्क। भारत दर्शन पार्क में आपको हमारे भारत की कुछ धरोहर दिखेगी। लगभग 21 कलाकृतियां हैं जो बनाई गई हैं, 21 मॉन्यूमेंट्स हैं जो यहां पर बनाए गए हैं। लगभग 350 से ज़्यादा मतलब वेस्ट मटेरियल, प्रकार के वेस्ट मटेरियल से इसको बनाया गया है। और भारत दर्शन पार्क में आपको यदि आप यहां पर आते हैं तो ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से पुराने कबाड़ से यहां पर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। और ध्यान रखेंगे ये दिल्ली के पंजाबी बाग में है, पंजाबी बाग फ्लाईओवर के पास में ये बना हुआ है भारत दर्शन पार्क। तो भारत दर्शन पार्क की खासियत है, इससे पहले आपने देखा था वेस्ट टू वंडर पार्क एक ऑलरेडी बनाया गया था, जिसके बिहाफ पर, जिसकी लोकप्रियता को देखते हुए ये बनाया गया है भारत दर्शन पार्क। तो आज नया साल जनवरी 2022 में हम लोग आज आपको ये दिखा रहे हैं भारत दर्शन पार्क, जिसमें 21 कलाकृतियां हैं। लगभग 8.5 एकड़ में ये बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और इसकी जो टिकट्स हैं, इसकी टिकट्स लगभग 12 साल तक के बच्चे के लिए टिकट्स रखी गई है 100 रुपये, और उससे बड़े लोगों के लिए 150 रुपये। और आप यहाँ पर सोमवार की छुट्टी रहती है, मंडे यहाँ क्लोज रहता है, मंडे यहाँ पर क्लोज रहता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ भारी संख्या में लोग आए हुए हैं भारत दर्शन पार्क देखने के लिए। तो गाइस देखते हैं भारत दर्शन पार्क कैसा है और वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ ये भारत दर्शन पार्क आज हमें आपको दिखाने का मौका मिला है हमारे चैनल दिल से ट्रैवल के माध्यम से। तो बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। और ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। तो गाइस दिल्ली के इस हम आज सर्दी भरे माहौल में आपको दिखाते हैं भारत दर्शन पार्क और कुछ अन्य चीज़ें अंदर चल के दिखाते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे भारत दर्शन पार्क के अंदर। गाइस ये देखिए टिकट काउंटर हमारा भारत दर्शन पार्क का, और यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली मंडे क्लोज्ड है, ये मंडे को क्लोज रहता है। और ये टिकट्स की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, ये टिकट डिटेल्स के अंदर बताया गया है कि ये आप देख लीजिए कि 100 रुपये का टिकट है, नॉर्मल टिकट 100 रुपये का है, और प्रीमियम टिकट जो है वो 150 रुपीज़ का है, और बच्चे जो 3 साल से 12 साल तक के हैं उनका टिकट 50 रुपये का, और प्रीमियम टिकट बच्चों का 75 का है, 12 साल से ऊपर जो 60 साल तक के लोग हैं उनका टिकट, नॉर्मल टिकट 100 रुपये का है और प्रीमियम टिकट 150 का है। और गाइस ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब आप आएंगे पार्क में तो ये विशेष ध्यान रखें कि सैटरडे और संडे जो वीकेंड के ये 2 दिन हैं ये प्रीमियम डेज में काउंट होते हैं। यहाँ पर टिकट आपकी 150 ही लगेगी सैटरडे और संडे को। तो सैटरडे और संडे के 2 दिन के जो ये टिकट्स का ध्यान रखें, 150 की टिकट आपकी लगेगी। और गाइस ध्यान रखेंगे कि शाम को 5:30 बजे के बाद यहाँ पर शुरू होता है प्रीमियम टिकट। प्रीमियम टिकट का मतलब यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर जो नॉर्मल यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं उनको रात की रोशनी में अगर देखते हैं, कुछ स्पेशल लाइट्स अरेंजमेंट्स हैं जिसके जिस समय उसको देखने का एक अलग ही आनंद आपको प्राप्त होगा। तो गाइस टिकट हमने ले लिया है, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज भारत दर्शन पार्क। चलिए स्वागत है आपका भारत दर्शन पार्क में। तो गाइस ये देखिए हम एंट्री कर चुके हैं भारत दर्शन पार्क में, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आगे बढ़ना। ये देखिए देश के 21 स्मारकों की बेहतरीन झलक अब एक स्थान पर। यहाँ लिखा है देश के 21 स्मारकों की बेहतरीन झलक
अब एक स्थान पर भारत दर्शन पार्क। तो बढ़ते हैं आगे, और ये मैं आपको बता दूं, इस पार्क का जो इनॉग्रेशन किया गया है वो अभी हुआ है, और यहाँ पर ये ताज़ा अभी इसके फूल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन 25 दिसंबर 2021 को हुआ है। यहाँ पर जो कलाकृतियाँ आपको दिख रही हैं, ये पुरानी गाड़ियाँ, देखिए स्टेयरिंग्स दिख रहे हैं आपको, कार के जो स्टीयरिंग होता है वो दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली, सिलेंडर दिख रहे हैं। ये जो एक यह फाउंटेन एरिया है, इसमें देखिए आप, ये फाउंटेन एरिया जो है, इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं ये पुराने सिलेंडर, उनको काटा गया है। तो गाइस देखिए, अलग अलग तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ इस्तेमाल किया गया है इस भारत दर्शन पार्क को बनाने के लिए। इसके निर्माण में 350 टन वेस्ट इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं भारत दर्शन पार्क का अन्य हिस्सा। गाइस ये देखिए, ये आपको दिखाते हैं एक और सुंदर कलाकृति। ये हवा महल है जयपुर का, जिसको बनाया गया है वेस्ट मटेरियल से। ये जयपुर का हवा महल। देखिए इसमें किस प्रकार से ये मटेरियल लगाया गया है। एक और सुंदर कलाकृति आपको दिख रही है, गोल गुंबद। ये है गोल गुंबद। ये गोल गुंबद जो बनाया गया है, ये देखिए बेहद शानदार दिख रहा है गोल गुंबद। सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है गोल गुंबद के बारे में। भारत दर्शन पार्क में कुतुब मीनार के दर्शन कराते हैं आपको। ये देखा आपने, ये कुतुब मीनार है, बहुत अच्छा मतलब प्रयास है और उस प्रयास में सफल भी हुए हैं। देखिए गाइस एक और कलाकृति,
आगे बढ़ते हैं और ये दिखाते हैं पहले आपको कि ये हमारी जो कलाकृति है जिसका नालंदा नाम है, ये हर एंगल से आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है इसको। नालंदा कलाकृति है जिसको बनाया गया है। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो 800 साल पुरानी भारत की और दुनिया की सबसे पहली आवासीय जो हमारी ये विश्वविद्यालय था, ये नालंदा विश्वविद्यालय, ये आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है पहले, ये आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कुछ और। ये है मीनाक्षी टेम्पल। ये देखिए हमारे दक्षिण भारत का मीनाक्षी टेम्पल, ये मदुरई में स्थित मीनाक्षी टेम्पल की यह कलाकृति। ये देखिए यहाँ दिया है इसका जानकारी। मदुरई में स्थित मीनाक्षी टेम्पल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत खूबसूरत बनाया है। देखिए किस तरीके से डायरेक्शंस दिए हुए हैं और लिखा हुआ है क्लियर कि आगे की डायरेक्शन क्या क्या है। ये है बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, दीप स्तंभ, रामेश्वरम टेम्पल और जगन्नाथपुरी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस ये देखिए बद्रीनाथ मंदिर, जय हो बद्री विशाल। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, तो गाइस ये है रामेश्वरम मंदिर, जो हमारा 12वीं शताब्दी में निर्मित रामेश्वर मंदिर को भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से गिना जाता है। तो ये कलाकृति बनी हुई है रामेश्वरम मंदिर। सुंदर तरीके से बनाई गई है जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की यह कलाकृति। जय जगन्नाथ जी। आगे के लिए डायरेक्शन दी हुई है महावत महल, सांची स्तूप, विक्टोरिया मेमोरियल एंड हम्पी। और हम पहुंच चुके हैं महाबत पैलेस। देखिए जानकारी दी हुई है इसमें कि 19वीं सदी में महाबत का मकबरा बनाया गया था। अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है महाबत पैलेस। एक और हमारा भारत का जो ऐतिहासिक हमारे शानदार सुंदर कलाकृतियों में से एक सांची स्तूप। देखिए किस प्रकार से हूबहू उसी शक्ल में बनाने का प्रयास किया।
तो गाइस हम पहुंच गए हैं विक्टोरिया पैलेस। ये देखिए ये हम्पी रथ, पत्थर के अनोखे रथ। इस हम्पी रथ तो गाइस डायरेक्शन दी गई है ताजमहल और मैसूर पैलेस के लिए। बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आप। तो गाइस पहुंच गए हैं हम लोग हमारे विश्व के एक प्रमुख अजूबे के तौर पे जिसे बनाया गया था शाहजहां द्वारा ताजमहल दिखाने के लिए। तो गाइस ये है ताजमहल, एक भव्य कलाकृति। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मैसूर पैलेस, हम पहुंच चुके हैं मैसूर पैलेस, दिखा रहे हैं आपको ये। ये मैसूर पैलेस का सुंदर दृश्य, बेहतरीन नज़ारा मैसूर पैलेस का। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कोणार्क टेंपल। देखिए कोणार्क टेंपल, सूर्य मंदिर, ओडिशा के कोणार्क में स्थित यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। तो गाइस सूर्य मंदिर, मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा पर सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यह भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है।
मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। तो गाइस देखिए, हम एक और सुंदर कलाकृति हमारे खजुराहो मंदिर की। ओके फाइनली गाइस, आज हमने विजिट किया भारत दर्शन जो पार्क है, और अच्छा लगा काफ़ी देखकर कि जो रिसाइकल करने की जो सोच यहाँ रखी गई है, प्रोडक्ट्स को रिसाइकल किया गया है और एक सुंदर चीज़ देखने के लिए बनाई। और यहाँ आने के बाद जो मुझे मेनली लगा, वैसे तो यहाँ पर आप फूड वगैरह ला सकते हैं जनरली, बट हाँ प्रॉपरली वैसा बैठकर खाने का एटमॉस्फेयर यहाँ नहीं है। बस यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशली ख़ास बात मैं आपको यहाँ की बता देता हूँ। एक्चुअली अगर आप यहाँ पर किसी भी दिन लगभग 4 बजे आते हैं या 4:30 बजे आते हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, और आप प्रीमियम टिकट लीजिए, क्योंकि यहाँ इसको देखने का जो एक और असली मज़ा है वो रात का है, जब रात को सभी जगह पर लाइटिंग हो जाती है और लाइटिंग में ये अलग ही दिखता है, ऐसा मुझे यहाँ बताया गया है। तो मुझे ये मेरा आपको सजेशन है कि अगर आप आते हैं तो लगभग 4 बजे यहाँ पहुँचें, और 5:30 बजे 5:45 बजे तक डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसके बाद ये लाइटें ऑन कर देते हैं, सो दैट उसका एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही दृश्य आपको यहाँ देखने का मिलेगा।
तो गाइस अच्छा लगा कुल मिला के आज नए साल पर इस जगह को देखकर, इसको हमने एक्सप्लोर किया आप सबके लिए। चैनल के माध्यम से आप ये सब देखिए और आप बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। कुछ और नई चीज़ों के साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल दिल से ट्रैवल, और आपके वैल्यूबल टाइम के लिए जो आपने वीडियो के लिए दिया, थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।